नमस्कार, मैं हूं सकरवार सुमंत और आप देख रहे हैं बेखौफ आज तक। वासांतिक नवरात्रि के दिन मां कामाख्या को भक्तों ने शैलपुत्री देवी के रूप में किया पूजन अर्चन। खबर जनपद गाजीपुर के सेवराई तहसील क्षेत्र से है, जहां चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंगलवार को पूर्वांचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां कामाख्या को भक्तों ने शैलपुत्री देवी के रूप में दर्शन पूजन किया। मां कामाख्या धाम पर मां के दर्शन हेतु भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। मां कामाख्या के गगनभेदी जयकारे के साथ भक्त कतारबद्ध होकर दर्शन पूजन कर रहे थे। अलसुबह से भक्तों ने गंगा स्नान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ का अमर नरवा गंगा घाट पर लगा रहा और अलसुबह से ही गंगा स्नान के बाद मां कामाख्या देवी के दर्शन पूजन के लिए भक्तों के आने का जो क्रम शुरू हुआ वह देर शाम मंगला आरती के बाद तक चलता रहा। गाजीपुर जनपद के समीपवर्ती जिलों के साथ साथ बिहार प्रांत से भी बड़ी संख्या में भक्तों ने मां के दरबार में हाजिरी लगाकर अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना की। मां के भक्तों के सामने चिलचिलाती धूप का कोई असर नहीं था। लोग कतारबद्ध होकर मां कामाख्या के गगनभेदी जयकारे लगाते हुए दर्शन करते जा रहे थे। अल सुबह गहमर के नरवा गंगा घाट पर श्रद्धालुओं का गंगा स्नान करने के लिए काफ़ी रेला उमड़ पड़ा था। नवरात्रि का महीना होने के कारण पुलिस प्रशासन काफ़ी सतर्क मुद्रा में थी। पुलिस द्वारा मां कामाख्या के धाम से लेकर के गंगा घाट तक भारी मात्रा में पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया था। अपने क्षेत्र के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें बेखौफ आज तक से।